हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ आप सबके अपने इस नए वीडियो पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने आ रहे हैं आइडिया शेयर के ऊपर। वोडाफोन आइडिया जो शेयर है उस कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, और क्या ये कंपनी हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए या ये पेनी स्टॉक्स अब एकदम बेकार हो चुका है। तो ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आपके लिए। पहले हम लोग बात करेंगे इस ये शेयर जो पहले ट्रेड करता था 100 से लेकर 90 से 100 रुपए के आसपास, और ये अभी ट्रेड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए 7-8 रुपए के आसपास। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि इसकी जो पीयर्स कंपनी है जैसे कि भारती एयरटेल और जियो वगैरह, जब से जियो आ गया है तब से ये एयरटेल जब से तब से ये वोडाफोन और आइडिया वाले कंपनी बेकार हो गई है। एयरटेल ने अपने आप को संभालने की कोशिश करी और उसने संभाल अपने आप को बचा लिया, ठीक। इस वजह से भारतीय एयरटेल अच्छा खासा मूव करता रहता है, वो अच्छे खासे प्राइस में है। अब इसके थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं हम लोग, क्या इसमें कंपनी अभी भी स्ट्रांग बची है या कंपनी बेकार हो चुकी है, लुट चुकी है। ओके गाइस, सो लेट्स बिगेन। पहले हम लोग बात करेंगे इसके पीई रेशियो और पीबी रेशियो के बारे में। तो इसका जो पीई रेशियो है, इसका पीई रेशियो -0.90 ओके 90। सो जो इसका सेक्टर का पीई रेशियो है वो है -348.36, इतना ज़्यादा माइनस में है। ओके, और पीबी रेशियो की बात करेंगे तो इसका पीबी रेशियो 0.41 ओके, और वो भी माइनस में है। और जो सेक्टर का पीबी रेशियो है वो 6.79 है। सो ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मतलब माइनस में चल रहा है इसके सारे रेशियो। और डिविडेंड यील्ड, ये तो डिविडेंड देता ही नहीं है क्योंकि खुद ही कंपनी लुटी हुई है, क्या कभी डिविडेंड देगा। सो ये हो गया इसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। इस पीई रेशियो पीवी रेशियो से मुझको इस कंपनी में कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं दिखता है। ओके, आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। अब कंपनी इस प्रोफाइल में देखते हैं तो देखिए आइडिया वोडाफोन ने दोनों ने क्या करा था, अपने आप को टाई अप कर लिया था। वोडाफोन आइडिया फॉर्मली आइडिया सेलुलर LTD एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, अब इसके पीएस कंपनी की बात करते हैं। पीएस कंपनी माने मतलब जो इसके बराबरी, जो इसके टक्कर की कंपनियां, जो मतलब होती नहीं कि हमारे इस सेक्टर की टक्कर की कंपनियां, तो भारतीय एयरटेल है, ठीक। फिर टाटा कम्युनिकेशंस है, टाटा टेली सर्विसेज हैं, ये सारी देख सकते हैं आप लोग। कंपनी जो है इन ये इसके पीएस कंपनी है और इसको टक्कर देती है। टक्कर क्या देती है? टक्कर देने लायक खुद ही नहीं बचा, दूसरी क्या इसको टक्कर देंगी। इसके साथ ये कंपनियाँ चलती है। अब भारतीय एयरटेल देखिए इसके बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है, एक साल में 18% दे चुका है। और ये आप लोग देखेंगे मैक्स में तो ये रिटर्न माइनस में ये वो 84.54% गिर चुका है ये। ओके, पीएस कंपनी की बात कर लेते हैं। अब फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा बात करते हैं इसके। ओके, सो चलते हैं फाइनेंशियल में। इसके में पहले इनकम में बात करेंगे तो इसकी देखिए इनकम हम लोग बात करेंगे 2020 से, क्योंकि ज़्यादा पीछे 2019 से चलिए बात करते हैं। 2019 तक ये थोड़ा सही थी कंपनी, देख सकते हैं आप लोग 6000 से 5000 हो गई 2000 कंपनी एबिटा, ये देख सकते हैं हम लोग एबिटा, ठीक। नेट इनकम से बात करते हैं हम लोग, देखिए 2018 में इनकी नेट इनकम थोड़ी कम हुई थी, ठीक, मतलब माइनस में शुरू हो गई थी 2018 ही से, मगर ज़्यादा बड़े अमाउंट में माइनस में नहीं गए थे। 2019 में ज़्यादा ही बड़े अमाउंट में हो गई, देख सकते हैं आप 14,603.90, ये अमाउंट हो गए करोड़ में। ओके, फिर 2020 में बहुत ही ज़्यादा हो गए 73,878,000 करोड़, ये भी माइनस में हो गए, ठीक। फिर 2021 में बात करें तो 44,300 में हो गए, और ज़्यादा माइनस 2021 में। और 22 में तो बात कर लें भैया, 22 में तो इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया 28,000 के करोड़ के माइनस में। सो नेट इनकम तो इनकी गिरती जा रही, लगातार माइनस पर माइनस ही होती जा रही है, तो इससे मुझको कुछ खास नहीं दिख रहा है, सब माइनस ही जा रहा है। अब इसके टोटल एसेट्स की बात करते हैं, ठीक। एसेट्स माने कंपनी के फर्नीचर और वगैरह, जो बैलेंस जो एक अमाउंट एसेट्स होता है जो फाइन स्ट्रॉन्ग बनाता है कंपनी को, ठीक। वो भी अगर हम लोग 2018 से देखें, 2018 98 था, ठीक। 2019 में थोड़ा बढ़ा, मैं मानता हूँ 2019 में बढ़ गया, ओके 2,29,00,000 हो गया, 29 लाख करोड़, ठीक। फिर 2020 में ये फिर से गिरना शुरू हो गया, 2020 से इनके एसेट्स भी गिरने शुरू हो गए, ठीक। ये देख लें 2,26,000 हो गया, फिर 2021 में 2 ही लाख बचा, 2,03,000 रुपये खाली। फिर 2022 में 2,00,000 से 1,94,000 एसेट्स ही बचे इनके, ठीक। एसेट्स लगातार गिरते हुए आ रहे हैं इनके।
अब लाइबिलिटी की बात करते हैं, अब एसेट गिर रहा है, कंपनी माइनस चल रही, तो लाइबिलिटी तो लोन तो लेगी लेगी। ठीक, 2018 में इनके पास खाली 71,000 का लोन था, लाइबिलिटी थी। अब 2019 में इनका लाइबिलिटी बढ़ गई, वो हो गई 1,70,000 हो गई। ठीक, और 2020 में हो गई यही 2,20,000 हो गई, और 2021 में 2,40,41,000 हो गई है, और 2022 में तो भैया रिकॉर्ड ही भैया जानते हो आप लोग तोड़े हैं सब चीज़ के लिए, 2,55,000 हो गई है, 56 होने वाली है। ठीक, क्योंकि 99.3 है भैया, ये कंपनी पूरी डूबने वाली है, मैं पहले बता रहा हूँ। इसकी कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं अच्छी हैं, और अगर आप लोग कभी सोच भी रहे हैं ये पेनी स्टॉक्स आप लोग का मल्टी बगैर स्टॉक बनेगा भी, मेरे ख्याल से ये पहले खुद को ही बचा ले, खुद की कंपनी बचाने के उसमें लगा रहा है, तब तो बन तब तब आगे कुछ सोचा जाएगा, वरना ये कुछ नहीं कर पा रहा है अभी, सिर्फ और सिर्फ माइनस में ही जा रहा है। अगर कैश फ्लो की बात करें, नेट कैश चेंज देखिए आप लोग, माइनस में ये भी आ रहा है सिर्फ। ठीक, लेकिन 2022 में कुछ इसमें चेंज आया है और प्लस में आ गया, अभी तक ये देख सकते हैं आप लोग। 2019 में, 19 में थोड़ा प्लस में था, 20 में माइनस में हुआ कैश फ्लो इनका, फिर 21 में माइनस में हुआ, फिर 22 में इन्होंने अपने आप को संभाला है। ठीक, कैश कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, मगर इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ा है, जितने का इनका वर्किंग कैपिटल वो बढ़ा नहीं है, उससे ज़्यादा का इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या इस कंपनी को एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रही है, दे रही है। सो मेरे हिसाब से एक स्टॉक कभी भी मल्टी बैगर नहीं बन पाएगा, और अगर आप लोग सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप मत करिएगा भाइयों, मत करिएगा। अगर आप लोग का फ्री का पैसा है तो मत करिए आप, मैं जानता हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं, उनका कोई का फ्री का पैसा नहीं है, सब मेहनत का पैसा, मेहनत का पैसा ऐसे नहीं डुबाना चाहिए हम लोग को, और मेहनत का पैसा ये कंपनी हम लोग का डुबा के ले जाएगी। ओके, सो इसमें मत इन्वेस्ट करिए, मैं बार बार गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूँ। अगर आप लोग को पेनी स्टॉक में करना ही है तो मुझको कमेंट करिए, मैं आप लोग को कुछ ऐसे पेनी स्टॉक सजेस्ट कर दूंगा जिसमें जो थोड़े मल्टी बैगर बनने के चांसेस हैं भी, मगर ये स्टॉक नहीं बन पाएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आर टुडेज वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड टू आर चैनल एंड बी प्रॉफिटेबल गाइस।